ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। कृषि कानून पर किसानों का भूख हड़ताल, दिल्ली के सभी नाकों पर किसानों की भूख हड़ताल। किसानों की पीएम मोदी से अपील है कि पीएम सुने हमारी बात, रद्द हो कानून। और किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है, तो लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। और आज भूख हड़ताल का जिस तरीके से ऐलान किया गया था, तो भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। और बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की भूख हड़ताल है किसानों की। किसानों की मांग है कि जो भी ये 3 बिल पास किए गए हैं किसानों के, वो रद्द कर दिए जाए। और लगातार कई बार वार्ता भी हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, लेकिन कोई भी हल इस समस्या का नहीं निकला है। यानी कि जितनी भी वार्ताएं हुई वो बेनतीजा रही, असफल रही। अब ये आंदोलन तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भूख हड़ताल है। और साथ ही आपको बता दें कि किसान आंदोलन और जिस तरीके से किसानों ने आज ऐलान किया है भूख हड़ताल का, कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो भी अनशन रख के किसानों की मांगों का, किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो आज किसान आंदोलन का 19वां दिन। और साथ ही आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि इस बार बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो, यानी कि किसानों की बात डायरेक्ट पीएम मोदी तक पहुंचनी चाहिए। वो सामने आमने सामने बैठकर पीएम मोदी से बातचीत करना चाहते हैं, ये किसानों की मांग है। तो ये भूख हड़ताल आज अनशन पर बैठे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर। किसानों की मांगे हैं वो 3 कृषि बिल जिनको वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो किसानों की मांग थी कि MSP यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें, उसको लेकर उनको श्योरिटी चाहिए थी, सरकार से विश्वास चाहिए था, कोई कानून चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। पर अब मांग किसानों की सीधा यही है कि ये 3 बिल ही वापस ले लिए जाएं, क्योंकि ये 3 बिल ठीक नहीं है और साथ ही किसानों के समर्थन में नहीं है, किसानों के विरोध में है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि ये 3 बिल बिल्कुल ठीक है, किसानों के विकास के लिए है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए है। दोगुनी आय की बात सरकार कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये 3 बिल काले कानून है, ये किसानों का विकास नहीं करेंगे, बल्कि ये किसान विरोधी बिल है, इसीलिए ये बिल वापस हो। तो पीएम मोदी से बात करने की बात अब किसानों ने कही है। उनका कहना है कि इस बार जब सरकार हमसे बातचीत करेगी तो उस बैठक में, उस बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो, हम उनके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कई बार पीएम मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि ये 3 ही बिल बेहद महत्वपूर्ण है और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी नाकों पर किसानों की भूख हड़ताल जारी है और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की ये भूख हड़ताल है। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में इस वक्त आप मौजूद हैं और किसानों की भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, फिलहाल की स्थिति क्या है? आज किसान जो है ये आंदोलन और डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं कि हम अभी तक कोई हल नहीं निकला है, इस वजह से आप प्रधानमंत्री सभी वार्ता और बात को रखना चाहते हैं। वहां 8 उम्मीदवार भी है, 19वां दिन इस कड़ाके की ठंड में गुजारना किसानों के लिए अब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस किसान जो है अब 3 काले कानून को रद्द करना चाहती है और तब तक इनकी मांग को पूरी नहीं की जाए तब तक ये नहीं करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है आज IPO और इनकी कई जो बड़े नेता है अनशन पर बैठे कि 5 बजे यानी 8 बजे से लेकर 5 प्रिंस, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम आपसे जुड़ेंगे दोबारा। इस वक्त हमारे साथ नीलेश चौहान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह के हालात हैं किसानों को। हालांकि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आज 19वां दिन है और ये आंदोलन दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। अगर बात करें केंद्र सरकार की, बात करें बीजेपी शासित प्रदेशों की, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो साफ लफ्जों में ये बात कह दी गई है कि ये 3 ही बिल किसानों के विकास के लिए है, विरोध के लिए नहीं है। निलेश,
तो लगता है हमारा संपर्क यहाँ निलेश से टूट गया है, लेकिन एक बार हम आपको फिर बता दें कि आज 19वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार किसान इसी बात पर डटे हुए कि जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद नोएडा पर बैठे किसानों ने एक कदम पीछे लिया है और कहा है कि हम धरना खत्म नहीं कर रहे हैं लेकिन रास्ते को खोल रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये आश्वासन उन्हें दिया है कि उनकी बातों को सुना जाएगा और एक बार फिर से संशोधन को लेकर के विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से मांग लगातार बढ़ती जा रही है किसानों की तरफ से किसको रद्द करवाया जाए, तो ये उनकी बात राजनाथ सिंह ने उन्हें ये आश्वासन दिया है किसानों को कि उनकी बात वो पीएम तक पहुंचाएंगे। और इसी वजह से नोएडा पर जो किसान डटे हुए थे इतने दिनों से उन्होंने रास्ता खाली कर दिया है, पर धरना खत्म उनकी तरफ से अभी नहीं हुआ है। तो वहीं तमाम ऐसे जगह से अभी भी एक एक कर तमाम वो राज्य है जहां से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए। और साथ ही आज जिस तरीके से भूख हड़ताल रखा गया किसान आंदोलन में, तो इस पर भी हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने भी इस भूख हड़ताल का समर्थन किया है और कहा है कि अगर देश का अन्नदाता भूखा रह सकता है एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए मैं भी उपवास रखने को तैयार हूँ। और इसी वजह से किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए अरविंद केजरीवाल भी अब आज भूख हड़ताल पर है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की भूख हड़ताल जारी है। आज अनशन पर बैठे हैं तमाम किसान। और एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से प्रिंस जुड़ चुके हैं और नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। चलेंगे नीलेश के पास। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गया है, देशव्यापी हो चुका है। जगह जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांग है कि इन तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की बात करें और बीजेपी शासित प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो दो टूक ये बात कह दी गई है कि ये तीनों बिल तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे लेकिन संशोधन कर दिया जाएगा। लखनऊ में किस तरह की स्थिति नीलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दिल्ली से हमारे साथ प्रिंस जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। प्रिंस, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि किसान लगातार ये बात कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करेंगे, और वो लगातार बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और आज अनशन करके ये कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अनशन भी उसी का एक रूप कह सकते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों का, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी की बात करें, वो पूरी तरह से समर्थन में है आंदोलन के। फिलहाल किसानों का क्या कहना है, जिस तरीके से उनकी मांग है कि पीएम मोदी से मिलना है इस बार? प्रिंस, तो लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं बन पाया, तो लगातार हम उनसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे।